हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम एक और नई वीडियो के साथ जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर, जो कि हमने क्लास 11th के लिए लास्ट छोड़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। ओके, क्लास 12th के लिए मैंने वीडियो बना दी है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। अब जो हम क्लास 11th में स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है भाई, वो है वही जो हम पहले स्टार्ट कर चुके थे, GOC, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके अंदर हमने पीछे IUPAC नोमेनक्लेचर जो है उसको स्टार्ट कर दिया था। बेसिक चीजें हमने कर ली थी कि किस फंक्शनल ग्रुप के आगे क्या लगाया जाता है, क्या नहीं लगाया जाता, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अभी हम आगे उसको प्रोसीड करेंगे। जिसने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप जाके देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम जब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्लास 11th के लिए जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC जो हम देख रहे हैं, उसके अंदर हमने पीछे सारी चीजें वैसे देख ली थी। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आने वाली है। अगर कार्बन का अमाउंट, ये कहे कार्बन का नंबर जो है वो एक हो तो नेम के आगे क्या लगता है, मिथ। दो हो तो क्या लगता है, इथ। तीन हो तो क्या लगता है, प्रॉप। चार हो तो क्या लगता है, ब्यूट। पांच हो तो क्या लगता है, पेंट। छह हो तो क्या लगता है, हेक्स। सात हो तो क्या लगता है, हेप्ट। आठ हो तो क्या लगता है, ऑक्ट। नौ हो तो क्या लगता है, नॉन। दस हो तो क्या लगता है, डेक। ठीक है, ये सबको पता है। और बाकी हमने देख ही लिया था कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसके अंदर मैंने पूरी टेबल बनवाई थी कि कौन सी फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नोमेनक्लेचर हर किसी का अपना अलग अलग तरीके से होता है। स्ट्रेट चेन जो होगी उसका नोमेनक्लेचर अलग होगा, ब्रांच होगी उसका अलग होगा, साइक्लिक जो होगी उसका अलग होगा, फंक्शनल ग्रुप जो होंगे उनका अलग होगा। ठीक है, अभी हम नॉर्मली जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम स्ट्रेट चेन के लिए। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट चेन के लिए। अब देखिए जब भी हम स्ट्रेट चेन की नोमेनक्लेचर करते हैं, उसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान होना चाहिए कि जब भी स्ट्रेट चेन की नोमेनक्लेचर होती है तो पहले जो पैरेंटल चेन होती है उसके अंदर नंबरिंग की जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास में CH3, CH2। ये बिल्कुल मैं बेसिक से करवा रही हूँ, जिनको 1% भी नहीं आती है नोमेनक्लेचर उनके लिए है ये। ठीक है, CH3, CH2, 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 CH3। ओके, दो दो चार दो चार, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कार्बन की बैलेंसेज देखें तो कार्बन की जो बैलेंसेज है वो चार कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पे तीन है और एक ये चार, यहाँ दो है, तीन चार दो, तीन चार दो, तीन चार तीन और एक चार, हो गई कंप्लीट। ठीक है भाई, अब देखिए हमें क्या करना है, पहले इसकी नंबरिंग करनी है। हम कहीं से भी स्ट्रेट चेन के अंदर जहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसके अंदर बेसिक बिल्कुल जो कह सकते हैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो लिया है अभी मैंने। ठीक है, इसके अंदर आप नोमेनक्लेचर के लिए अगर आप इसके अंदर यहाँ पे नेमिंग वन रखें, ये टू रखें, ये थ्री रखें, ये फोर रखें, फाइव रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग का जो है यहाँ पे वैसे कोई इशू नहीं है। बात तब आती है जब इसके अंदर डबल बॉन्डिंग हो। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, अभी मैंने सिर्फ नॉर्मली लिया है। अब देखिए कार्बन कितने हैं, यहाँ पे पांच कार्बन है, कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो उसके लिए पांच कार्बन पे कौन सी इसके अंदर प्रीफिक्स लगेगा, पेंट। पांच कार्बन के अंदर पेंट लगता है प्रीफिक्स, और जो आगे देखो सब में सिंगल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसके अंदर क्या लगेगा, एन। ये हो गया क्या, पेंटेन। समझ आ गई चीज, बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब भी कोई भी स्ट्रेट चेन के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उस स्ट्रेट चेन के अंदर हमेशा क्या है, कोई भी जब भी फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हो तो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं कि कितने कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। वो कार्बन हमें पता चल गए, उसके बाद में हमने उसके आगे उसका नेमिंग उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। ठीक है, ये है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल जो आपके लिए इसके अंदर हो सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रांच्ड चेन की। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन वाले तो बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन जो होते हैं उनका आप लोगों के लेवल के अंदर क्वेश्चंस नहीं आता है। आप जब केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तब स्ट्रेट चेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड्स, ब्रांच्ड चेन। ठीक है, ब्रांच्ड चेन।
अब बात करते हैं इसकी। देखिए भाई, होता क्या है, जब भी कहीं कोई ब्रांच्ड चेन मिल जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रांचिंग जिसके अंदर भी हो या फिर यू कहें जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों। मैं अभी फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जहां पे भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहेगा वहां पे आपको उस अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग करनी है। और उससे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपको करना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम ब्रांच्ड चेन की बात करते हैं तो हमें उसमें पहले एक पैरेंटल चेन ढूंढनी होती है। पैरेंटल चेन का मतलब क्या है भाई, पैरेंटल चेन क्या करेगी, पैरेंटल चेन उस ब्रांच्ड कंपाउंड को एक नंबरिंग प्रोवाइड करेगी और उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही आगे से आगे क्या किया जाएगा, हम उसकी नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है, ओके। मैं भी सिर्फ कार्बन लिख रही हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक एज एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, कार्बन लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ हो गया। अब देखिए, पहली चीज क्या है, पैरेंटल चेन डिसाइड करनी है। पैरेंटल चेन कैसे डिसाइड की जाती है, हमेशा उसी चेन को पैरेंटल चेन माना जाता है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हों, ठीक है। जैसे कि हम इस वाली चेन को ले रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई दूसरी चेन और भी है ऐसी जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। मान लो अगर हम इसको ले लें, ठीक है, ये वाली जो चेन है, अगर हम इसको ले लेते हैं इस तरह से, इसको अगर हमने ले ली यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 इसमें भी 5 कार्बन आ गए, तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अगर हम ले लेते हैं कौन सी वाली चेन, ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और ये वाली चेन इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 कार्बन, मतलब हम कोई भी चेन ले लें इसके अंदर, इसमें 5 कार्बन रहने ही रहने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे मेन चेन जो हमने ये वाली फर्स्ट वाली जो ली दी है वही चेन हम रखेंगे और उसी को हम एज अ पैरेंटल चेन लेके उसकी नंबरिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। हमने कौन सी चेन ली है, यही वाली चेन ली, यहाँ पे मैंने बनाया था एक ही और एक ही, ठीक है। हमने फर्स्ट जो मेन चेन है वही ले ली है और उसी के अकॉर्डिंग अब हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है, ये समझ आ गया कि नंबरिंग हमें क्या करनी है, पैरेंटल चेन ले लेनी है। ये हमारी पैरेंटल चेन हो गई है, हमेशा पैरेंटल चेन वही सिलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर क्या होता है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखिए, इतनी बात तो हमें समझ आ गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, वो वाली पैरेंटल चेन हमने ले ली। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। फर्स्ट था पैरेंटल चेन, सेकंड स्टेप जो है इसका वो बात करता है कि हमेशा जब भी आप पैरेंटल चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, नंबरिंग गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है भाई। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, नंबरिंग देते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को, अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। अब हमने इसको तो 1 2 3 4 5 कर लिया है, अब क्या ये नंबरिंग यहीं से शुरू होगी या फिर हमें नंबरिंग 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट करनी है, ये डिसाइड करेंगे इसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं वो। कैसे भाई, हमेशा जब भी आप पैरेंटल चेन के अंदर नंबरिंग करते हैं तो उस वाले सब्स्टिट्यूएंट को कंसीडर करना है या फिर उस वाले सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करना है जहां पे बिल्कुल कम नंबरिंग हो रही हो। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से चेंज करके क्या कर दूं, यहां लिख देती हूं, ठीक है। अभी हमने नंबरिंग इसकी की नहीं है, ये हो गई यहां से रिमूव, ठीक है, अभी हमने इसकी नंबरिंग की नहीं है। अब तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया है कि भाई इसके अंदर नंबरिंग बताओ हमें, तो सिर्फ नंबरिंग, नाम की बात मैं नहीं कर रही, अभी मुझे बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी, 1 2
थ्री फोर और फाइव। अब देखो अगर हम इसको वन दे रहे हैं तो पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, थ्री नंबर मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को कौन सी नंबरिंग मिल रही है, वन मिल रही है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, ठीक है। अगर मैं इनके आगे इनके हाइड्रोजन भी लिख दूं ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी एच टू, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, सी एच टू ये हो गया, हाँ एक दो तीन सी एच हो गया, ये एक दो तीन चार सी एच टू ये हो गया सी एच थ्री, ठीक है, ये क्या है सी एच थ्री और ये भी क्या है सी एच थ्री। अब देखो दोनों तरफ क्या है भाई, दोनों तरफ सी एच थ्री है। अभी मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट अलग है, मैं कह रही हूँ दोनों मैथिल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो दोनों मैथिल ग्रुप है, दोनों के पास मैथिल ग्रुप है। अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग मिलती है कौन सी, नंबर थ्री, ठीक है, कौन सी मिलती है, नंबर थ्री। और अगर हम उस वाले से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नंबर वन देते हैं तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को मिल रही है नंबर कौन सी, वन। तो हमेशा नंबरिंग उस जगह से स्टार्ट करनी है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर क्या मिल रहा हो, कम मिल रहा हो, यानी कि सीक्वेंस के अंदर वो नंबर कम पे आ रहा हो। तो हमने कौन सी कंसिडर करनी है नंबरिंग, यहाँ से वन टू थ्री फोर और फाइव, इस तरीके से हमें क्या करनी है, इसकी नंबरिंग करनी है, ओके। इसे वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से देना है, ऐसे नहीं देना वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। हो गई बात, कंप्लीट हो गई कि भाई नंबरिंग क्या करनी है, हमें वहां से स्टार्ट करनी है जहां पे क्या हो रहा हो, लेस नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। समझ आ गई, ये हो गई बात, लेस नंबर इज गिवन टू सब्स्टिट्यूएंट। अब बात करते हैं हम आगे की, ठीक है। अब देखिए भाई होता क्या है, पहली चीज तो हमने देखी थी पैरेंटल चेन की, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा। अभी हमने देखा जहां पे सब्स्टिट्यूएंट थे वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या थे, बिल्कुल सेम थे, ठीक है भाई, क्या थे, बिल्कुल सेम थे। अब अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए जिसके अंदर क्या हो, उनकी हम कह सकते हैं कि वो दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हों, जैसे हमने अभी यहां लिया था, नीचे आए थे दोनों मैथिल वाले, ठीक है। अगर बाई चांस हमें कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए, जैसे यहाँ पे सी एच थ्री है, ये सी एच टू है, यहाँ पे सी एच है और यहाँ पे हो गया सी एच थ्री और ये सी एच टू हो गया, एक दो तीन चार, यहाँ पे सी एच हो गया और यहाँ पे सी एच टू और ये यहाँ पे हो गया सी एच थ्री और ये यहाँ पे क्या हो गया सी एच थ्री, ठीक है भाई। अगर बाय चांस इस तरीके का हो तब क्या करना है, अब बात करते हैं पहले। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री आ रहा है तो वन टू, यहाँ पे टू आ रहा है तो अब आप लोग कहोगे कि मैडम हमें तो यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और सुनिए, देखिए जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम है क्या है, ये मैथिल है ये, ठीक है, और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये क्या है, एथिल है, ठीक है। समझ आई ये चीज, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अलग अलग है। सेम सब्स्टिट्यूएंट का केस मैंने आपको बता दिया, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अलग अलग जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एक चीज और, अभी कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि ये मैथिल और एथिल कैसे है, मैंने बताया था जैसे ये है सी एच फोर, ठीक है, सी एच फोर को हम बोलते हैं क्या, मीथेन, मीथेन बोलते हैं। जब भी इससे एक कार्बन हटा दिया जाता है, जैसे हमने सॉरी यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे हमने इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ये वाला है जैसे, ठीक है, इसको हमने लिखा है एल्केन, ठीक है। जब भी पूरे के पूरे कार्बन हो तो वो हमेशा एल्केन होता है, जैसे मीथेन हो गया। जब क्या होता है, एक कार्बन एटम को रिमूव कर दिया जाता है तो वो एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है भाई, वो बन जाता है एल्काइल। क्या बन जाता है, एल्काइल। जैसे ऊपर ये मीथेन था तो ये अब बन जाएगा क्या, मिथाइल। क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मिथाइल। बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर दो कार्बन होंगे तो इथाइल हो जाएगा, तीन कार्बन होंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा, चार होंगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में दो कार्बन है, अब देखो इसके अंदर ये तो कम्प्लीटली है, कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, इसके अंदर तो तीन है, यहाँ पे सी एच टू आ गया, सॉरी इसके अंदर दो तीन चार, इसकी तो कम्प्लीट है, लास्ट वाला जो कार्बन है इसमें सी एच थ्री है, इसमें एक कम है, ठीक है। एक तरीके से सी एच फोर होना चाहिए था इसलिए इथाइल हो गया, ये यहाँ पे सी एच थ्री है तो ये मिथाइल हो गया। समझ आ गई चीज। अब बढ़ते हैं हमारी उसी नॉमेनक्लेचर की तरफ कि भाई अब इन दोनों में से नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब देखो आप मुझे ये बताओ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एम पहले आता है या फिर ई पहले आता है।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है या ई? ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या आता है? ई. इस वजह से जब भी क्या हो भाई, जब भी हमारे पास में ऐसी चेन हो जिसमें सब्स्टिट्यूएंट दोनों अलग अलग हो, तो उस कंडीशन के अंदर नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जाती है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले आता है. यानी कि नंबरिंग की प्रायोरिटी जो है वो पहले उसको दी जाती है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या हो भाई, पहले आ रहा हो. ठीक है, हम पहले इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम प्रायोरिटी इसे देंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले है, इसलिए नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ना कि नंबरिंग हम वहां से करेंगे. तो अब देखिए इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 छह हो गए हैं. छह इसके अंदर क्या है, कार्बन एटम है. अब आगे जो है हम इसकी नंबरिंग करेंगे, अब नेमिंग करेंगे. अब चलिए, एक हो गया ये, एक हो गया ये एग्जाम्पल. ठीक है, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स कंसीडर कर रही हूँ, सिर्फ आपको स्टेप्स बता रही हूँ. नॉमेनक्लेचर लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल लूंगी जिसके अंदर सारी की सारी चीजें होंगी और उसको हम एक क्या करेंगे, कंबाइनली उसकी नॉमेनक्लेचर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी हमें तीन स्टेप समझ आ गए. पहला हमें क्या करना है, ब्रांच स्ट्रेट चेन के अंदर क्या करना है, अभी नॉर्मल स्ट्रेट चेन लेनी है. ब्रांच चेन जब भी आएगी, ब्रांच चेन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें सेलेक्ट करनी है कौन सी, सबसे पहले हमें पैरेंटल चेन सेलेक्ट करनी है. उसके बाद में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनकी नंबरिंग करनी है. नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो. अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो नंबरिंग क्या करनी है, हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उन्हें दे देनी है. चलिए भाई, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज की. अब अगर बाय चांस फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर आपको एक दी गई है स्ट्रेट चेन, ये CH3CH2CH2 तो CH कर देते हैं, और यहाँ पे है CH2 है ये, आफ्टर टुडे इज नॉट वर्किंग, और ये हो गया यहाँ पे CH3. ठीक है भाई, ये CH2 हो गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे CH3, तो 1 2 3 4 और एक आ जाता है हमारे यहाँ पे CH3. ये हो गया यहाँ पे CH3. ठीक है भाई, ये इस तरीके से. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अगर आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो, बहुत ज़्यादा स्पीडली करवा रही हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं एकदम स्लो स्पीड में पढ़ा दूँगी. एक्चुअली मेरी ये नॉर्मल स्पीड है. मोस्टली जो स्टूडेंट मुझसे पीछे वीडियोज़ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें उनके लिए तो ये हैबिचुअल हो जाता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा कम समझ आता है. तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो कर दूँगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH CH, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है इससे. ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे CH3. अब देखिए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ पूरी है. अब देखिए नंबरिंग हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहीं से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, लेकिन अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3, इसको 3 मिल रहा है, यहां से करेंगे तो 1 2 2 मिल रहा है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5. अब देखिए होता क्या है भाई, जब भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, दोनों सेम जुड़े हुए होते हैं, तो हमेशा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर जब भी उसकी नेमिंग लिखी जाती है, तो उनकी नेमिंग से पहले जहां जहां वो जुड़े हुए होते हैं उसको लिखा जाता है. जैसे यहाँ पे 2 और 3 दोनों पे सेम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं, तो 2,3, डाइमिथाइल हो जाएगा. ये समझ आई ये चीज़ आपको, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि भाई जब भी दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग कार्बन एटम पे जुड़े हों, तो उनकी नेमिंग करने से पहले वो जिस नंबर पे जुड़े हैं उस नंबर को क्या कर लेना है, हमें सेलेक्ट कर लेना है. जैसे 2 और 3 दोनों पे जुड़े हैं, है कितने, 1 और 2, दो के लिए क्या यूज होता है, डाई, डाई हो गया, और है कौन सा ग्रुप, मैथिल, इसलिए मैथिल हो गया. समझ आ गई चीज़, बहुत ईजी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है. अगर आपको एक बार में ये समझ आ जाती है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू. अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को एक दो बार और रिपीट कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए भी क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, या फिर यूँ कहें कि इनकी जो नेमिंग है वो इसी पे बेस्ड होती है. ठीक है, आपने देखा होगा बहुत बार कुछ जो कंपाउंड होते हैं उनके नाम से पहले लिखा जाता है भाई आइसो,
एन सेक टर्शरी या फिर टी आर टी लिखा होता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें सब लिखी रहती हैं, नियो भी लिखा रहता है कुछ के पहले। तो ये लिखे रहने का क्या रीजन है, क्यों लिखा जाता है ये सब नॉमेनक्लेचर नेमिंग से पहले? देखो होता क्या है, जैसे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि हमने ले लिया OH जो कि क्या है एल्कोहल के लिए है, COH है कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिल्कुल उसी तरीके से आइसो नियो टर्शरी सेक या सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरीके की फंक्शनल ग्रुप ही मानी जाती है, जिनके पहले क्या होता है उनकी नेमिंग लिखी जाती है, यानी कि एक तरीके का ग्रुप होता है ये, जिसके अंदर भी एक ग्रुप पाया जाता है उसके पहले, ठीक है। किसी के अगर आगे आइसो आपको लिखा मिलता है तो मतलब ये है कि उसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट है वो है CH3, CH और CH3, ये जहां भी जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, आइसो ग्रुप कहलाएगा, यानी इस कार्बन के साथ यहां CH3 यहां CH3 इस तरीके से जुड़ा होगा वो आइसो ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसो ग्रुप। इसका जो नाम है बेसिकली इसे जो कहा जाता है ये कहलाएगा क्या, आइसो प्रोफाइल। क्या कहलाएगा भाई ये, आइसो प्रोफाइल। किसी के अंदर भी इस तरीके से जो ग्रुप प्रेजेंट होगा वो बन जाएगा क्या, आइसो प्रोफाइल बन जाएगा। डिपेंड करेगा उसके अंदर कार्बन कितने होंगे, ठीक है। मोस्टली इस तरीके की जब कंडीशन होगी तो वो आइसो ग्रुप उसके आगे लग जाएगा। समझ आ गई आपको ये चीज। अब हम बात करते हैं सेक की, ठीक है। सेक जो ग्रुप होता है वो किस तरीके से जुड़ा होता है भाई, ये यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या हो गया CH2 हो गया, यहाँ पे हो गया CH, और यहाँ हो गया CH3। ये ग्रुप जिसके अंदर भी आपको मिलता है, जिसके अंदर भी प्रेजेंट होता है, वो बन जाता है क्या भाई, वो बन जाता है सेक। लेकिन इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, चार कार्बन है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 4। इसमें कार्बन कितने थे, 1, 2 और 3, इसमें 3 कार्बन थे, इसमें हो गए हैं 4, इसलिए बन गया है सेक, ठीक है भाई। समझ आ गई होगी ये चीज। कभी कभी क्या होता है सेक ब्यूटाइल, सॉरी आइसो ब्यूटाइल जो है उसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पे ये है CH3, ये हो गया हमारा यहाँ पे CH, ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे CH3 और ये हो गया हमारा यहाँ पे CH3। अब देखिए इस वाली जो कंडीशन है, यानी CH के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं 3 CH3, तो ऐसी वाली जो कंडीशन होती है वो बन जाती है क्या, वो बन जाती है आइसो ब्यूटाइल। कितने कार्बन है इसके अंदर भाई, इसके अंदर 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन हो गए हैं, इस वजह से बन गया है क्या, आइसो ब्यूटाइल। यहाँ पे इस वाले के साथ में इधर CH2 CH3 और इधर CH3 जुड़ा है, इसलिए क्या बन जाता है, सेक ब्यूटाइल, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे पास में जो एक और टर्म आती है, दैट इज टर्शरी। टर्शरी किसके साथ जुड़ा होता है, देखो एक तो होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री होता है प्राइमरी, 2 डिग्री होता है सेकेंडरी और 3 डिग्री होता है क्या, टर्शरी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डिग्री का मतलब ही क्या है, हमने ले लिया है ये वाला कार्बन, इसमें यहाँ पे इसके साथ में जुड़ा है यहाँ CH3, इसके साथ में यहाँ जुड़ा है CH3 और ये यहाँ जुड़ा है CH3। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स, सॉरी ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनमें इस तरीके से ये ग्रुप जुड़े रहेंगे उसे कहा जाएगा क्या, टर्शरी, यानी उसके पहले क्या रह जाएगा, TERT, ठीक है। अब कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, तो बन जाएगा क्या, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बन गया भाई ये, टर्शरी ब्यूटाइल हो गया। बहुत इजी है, ये ग्रुप्स आपको ध्यान में रखने होंगे जिसके अंदर भी ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ये ग्रुप्स आप भूल गए तो आप टर्शरी ब्यूटाइल, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो हमारी जो नॉर्मल हम स्कूलिंग के अंदर क्वेश्चंस करते हैं तो आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, आपको उसकी नेमिंग करनी होती है, ठीक है। लेकिन जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो हम उसमें नॉर्मल नेमिंग कर देते हैं, लेकिन आपके ऑप्शंस में नॉर्मल नेमिंग होती नहीं, किसके आगे आइसो, किसके आगे सेक, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, ये सब लिखा रहता है, तो वो आपको अच्छे से समझना होगा, वो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि किसके आगे कैसे लगाना है, ठीक है। ये ग्रुप्स आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं हम नियो की, ठीक है। नियो किसके आगे लगता है भाई, नियो जो होता है वो जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये CH3, यहाँ जुड़ा है ये CH3, यहाँ पे जुड़ा है ये CH3 और यहाँ पे जुड़ा है ये CH3, ठीक है। यानी एक तरीके से कौन सा कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसके आगे लगता है क्या भाई, नियो लगता है। और ये कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन है, तो ये क्या बन गया, नियो पेंटाइल। समझ आ गई ये चीज,
बहुत इजी है, बहुत बेसिक सी चीज है, इसमें बहुत टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आइसो किसके अंदर रहेगा? सीएच है, इसके साथ में क्या जुड़ रहे हैं भाई? सी एच थ्री जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, टर्शियरी के साथ में यहाँ पे इसकी एक और बॉन्ड जो है वो रहेगी यहाँ पे, ठीक है, ये किसी और दूसरे के साथ जुड़ेगा। अब देखिए होता क्या है, आइसो प्रोपाइल कौन कहलाएगा? सी एच है, यहाँ पे दो सी एच थ्री ग्रुप जुड़े हैं, वो आइसो बन जाएगा, ठीक है। नियो कौन सा बनेगा भाई? यहाँ पे सी एच सी जो है, चारों इसकी जो बैलेंसेज है वो सी एच थ्री के थ्रू ऑक्यूपाइड है। सेक कौन सा बनेगा भाई? सेक बनेगा जिसमें इस कार्बन के साथ में इधर सी एच जुड़ा हुआ है, सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, इधर सी एच थ्री जुड़ा है। कई बार क्या होता है, इस वाले कार्बन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये इस तरीके से लिख देते हैं सी एच और फिर हो गया क्या सी एच थ्री ग्रुप, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिलते हैं, तो उसको आपको आइसो समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इस वाले को कैसे लिखा जाता है भाई? इस वाले को कभी कभी या यूं कहें बहुत ज्यादा चांसेस के अंदर किस तरीके से लिख दिया जाता है? सी एच लिख दिया, यहाँ पे सी एच थ्री, सी एच टू लिख दिया और यहाँ पे सी एच थ्री, इस तरीके से भी लिखा रहता है, तो आपको समझना है ये कौन सा है, सेक। इस वाले को, टर्शरी वाले को किस तरीके से लिखा जाता है? ये कार्बन है हमारा और यहाँ पे सी एच थ्री कितने जुड़े हुए हैं? तीन जुड़े हुए हैं। समझ आ गई ये चीज, एक दो और तीन। और नियो को किस तरीके से लिखा जाता है? कार्बन है, अब इसके अंदर सी एच थ्री कितने जुड़े हैं भाई? चार जुड़े हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। समझ आ गई ये चीज, इसके अंदर कार्बन की एक वैलेंसी कम है, इसलिए ये बॉन्ड शो करता है कि कार्बन एक और से बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे कार्बन की चारों बैलेंसेज कंप्लीटेड है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन के अंदर कोई भी बॉन्ड शो नहीं हो रहा है। समझ आ गई ये चीज, बहुत इजी है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको ये समझ आए कि भाई हमें कौन सी नॉमेनक्लेचर की नेमिंग किस तरीके से करनी है। मैंने आपके लिए बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो लिख रखी हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अलग अलग तरीके की मैंने बना रखे हैं और कुछ होमवर्क भी आपके लिए जो आप इजीली घर पे करें, जिनको भी समझ नहीं आए, जिनको भी होमवर्क याद नहीं हो रहा हो, सॉरी जिनको भी होमवर्क नहीं हो रहा हो, जिनसे भी होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा हो अपना, या फिर उनके जिनको आंसर नहीं मिलते हो उनके, वो उनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम हम आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं, हम उनके आंसर्स कभी कभी हमें कुछ के नहीं आते हैं, तो हमें उनके साथ कैसे डील करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत से कमेंट्स आते हैं, बहुत बार ऐसा हो पाता है कि मैं उनको कमेंट नहीं कर पाती हूँ, वापस रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो जिनके लिए नहीं कर पाती हूँ उनके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। टेलीग्राम चैनल जो है वो मैंने बना लिया है, टेलीग्राम चैनल जो है वो माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस का बन गया है। लिंक आपको कुछ यहीं पे जो है मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। इजीली जाइए, जल्दी से जल्दी उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब उस चैनल के अंदर होगा क्या, सबसे पहली चीज़ जो भी मैं जैसे आपको अभी आज होमवर्क दूंगी उसके आंसर जो है वो आप वहाँ जाकर मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको आंसर्स वहाँ के नहीं मिलते हैं, अगर आपको आंसर्स नहीं आते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और मुझे कहेंगे मैम हमें इसका आंसर नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ उन सब क्वेश्चंस के आंसर उस टेलीग्राम चैनल के अंदर ही होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाके उनको पढ़ लेना है। नेक्स्ट चीज़, वहाँ पे हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी जो भी स्कूलिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं उस टेलीग्राम चैनल पे देती रहूँगी। पीडीएफ जो होते हैं नोट्स की वो मैं आपको वहाँ देती रहूँगी, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम वहाँ डिस्कस करते रहेंगे, तो आप वन टू वन मुझसे वहाँ पे टॉक कर सकते हैं। इजीली आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जल्दी से जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं है, बेसिक लेके चलूंगी। सबसे पहले मैं ये हो गए यहाँ पे सी एच थ्री, ये है हमारा सी एच थ्री। आप अगर चाहें तो इन क्वेश्चंस को आप खुद लिख भी सकते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे कि इनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है। आपको एक एक स्टेप करना है, ठीक है। एक दो तीन, ये तीन हो गए, यहाँ पे सी एच थ्री जोड़ देंगे हम, ये तीन हो गए, यहाँ पे हम इसको सी एच थ्री जोड़ देंगे। चलिए भाई अब इसकी सबसे पहले मुझे बताइए नेमिंग कहाँ से करें, लेफ्ट हैंड साइड से करें कि राइट हैंड साइड से करें? तो अभी पहले हमें देखना सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, दोनों सी एच थ्री है, स्टार्ट कहाँ से करनी है,
दोनों सी एच थ्री है तो हमेशा कोई से विस्तार कर सकते हैं, या इसको दे या इसका दे, कोई से तो प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे तो वन टू थ्री थ्री आएगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो वन टू आएगा, तो हम क्या करेंगे वन टू थ्री फोर और फाइव। हमने इनको नंबरिंग दे दिया भाई, वन टू थ्री एंड फोर फाइव हो गए पांच कार्बन। पैरेंटल चेन की मत सोचना, क्योंकि पैरेंटल चेन पांच कार्बन है इसके अंदर, इसको लेंगे तो भी पांच आएंगे, इसको लेंगे तो भी पांच आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक चीज और, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुराफाती दिमाग के होते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे मिलते हैं, जैसे कुछ कहते ना इसको, कुछ के दिमाग में होता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ते वक्त उनके दिमाग में होता है कि कहा जाता है कि इस ए को इस बी के अंदर ही मिलाना है, जैसे ये कंपाउंड ए है ये बी है, इसको इसके अंदर ही मिलाना है, इस वाले को हम इसमें नहीं मिला सकते। तो बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे, चलो आज तो मिला के देखते हैं इसको इसके अंदर मिलाने से क्या होगा, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसा कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होती ये चीज़ें, ये चीज़ें खराब करती हैं इंसान को, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन हमने एक लिया है, ये दो लिया है, तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ ऐसे बच्चों को, तो मुझे जानकारी है कि उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम क्यों ना हम इस चेन को ऐसे ले लें, हो जाएंगे कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये तो सिक्स कार्बन हो गए हैं, क्या ये और ये कार्बन एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं जुड़े, तो आप इसको इस तरीके से कैसे ले सकते हैं। आप उसी चेन को ले सकते हैं जिसके अंदर कार्बन बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि अगर आप लॉजिकली इस चेन की बात करें तो भी मैं सोच लूँ कि ओके यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओके, तो इसकी भी बात कर ले तो भी हो जाए, क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इसको पकड़ के ऐसे कर दें, ये वाला कार्बन ऊपर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो भी मैं लॉजिक हूँ आपकी बात में। अगर आप इसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं और इसको ही बोल रहे हैं मैडम ऐसे ले रहे हैं, तो बिल्कुल लॉजिक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल कह सकते हैं नॉन सेंस वाली बात है, ओके। फिर भी कुछ के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस कैसे भी वो आने चाहिए दिमाग में, क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं मतलब आपका दिमाग चल रहा है। जिनके दिमाग में एक पर्सन भी क्वेश्चन नहीं आते मतलब उनका दिमाग बिल्कुल खाली है। और जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर, जो बच्चे जिनसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन करने के बाद में आंसर नहीं देते, जैसे होता है कि मैं पूछती हूँ कि आप, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि इसके नंबर यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से करें, क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे यहाँ से करो, 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे यहाँ से करो, 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ना तो कहेंगे यहाँ से करो यहाँ से करो, उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है क्लास में, वो बिल्कुल चुप होते हैं। और ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि वो क्या है, वो है एक कह सकते हैं ना जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं, वो है। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, ना तो उनको इस लोक से मतलब ना उस लोक से, वो बीच के हैं बेचारे, तो वो भटकती हुई आत्माएं हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप भटकती हुई आत्मा है या फिर क्या है, ठीक है। चलिए भाई अब इसकी नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग हो गई है, पांच कार्बन हो गए। अब देखिए, अब इसके अंदर कार्बन के ऊपर कहाँ कहाँ पे मैथिल है, कौन सा ग्रुप, ये मैथिल ग्रुप है, ये वाला भी कौन सा ग्रुप है, मैथिल ग्रुप है, दोनों के दोनों मैथिल ग्रुप है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेम लिखेंगे कौन से कार्बन पे, टू थ्री। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना, जब भी दो नंबर को आप साथ में लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, जब भी दो नंबरिंग आप साथ में लिखते हैं तो दोनों के बीच में हमेशा कॉमा लगेगा। ये IUPAC नोमेनक्लेचर की बेसिक चीज है, ठीक है, ये उनके रूल्स है, कुछ हमें फॉलो करने होंगे। जब भी दो नंबरिंग एक साथ आएंगी तो उनके बीच में कॉमा, और नंबरिंग जो नंबर है उसके और उसके अल्फाबेट जो होते हैं उनके बीच के अंदर, हमेशा कैरेक्टर नहीं आएगा तो स्मॉल आएगा, उनके बीच के अंदर क्या होता है भाई, हमेशा डैश लगता है। जैसे ये तो मैंने यहाँ लगा दिया है, ये डैश लगेगा, ठीक है। दो नंबर के बीच में कॉमा, एक नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डाई मैथिल क्यों लगाया, दो मैथिल है, कौन सी पोजिशन पे, टू और थ्री पे, टू थ्री कॉमा डाई मैथिल, ठीक है, टू कॉमा थ्री डाई मैथिल। अब देखो कार्बन कितने हैं, पांच कार्बन है, तो इसके आगे क्या लगेगा, पेंटेन, क्या लगेगा भाई, पेंटेन। ये हो गया हमारी इसकी नेम, है ना, इजी कहा था मैंने, इजी है, आप लोग मानते ही नहीं हो मेरी बात। चलिए भाई अब करते हैं नेक्स्ट वाला, इसको आप देखिए, इतने कोई चीज नहीं समझ आई है इसमें, वीडियो अभी पॉज कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए कि ये आपने कैसे किया। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछते नहीं है, कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछते नहीं है, दे लाइक ये कैसे किया, ये क्यों किया, दे लाइक दिस मच, लाइक वो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे हैं, वो मुझे जैसे चेक कर रहे हो,
ये कैसे कर दिया। कभी कभी हम लिखते रहते हैं यहाँ पे बाय द वे बोलते रहते हैं तो कभी कभी जो है अल्फाबेट्स उधर उधर हो जाते हैं, नहीं तो कोई स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो जाती है, तो वो नहीं देखेंगे कि उन्होंने समझाया क्या है। उनके लिए ये होगा मैडम जी इस चीज़ की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो जो इस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत गौर से पढ़ रहे हैं, ग्रेट, कीप इट अप। ओके नाउ ये हो गया यहाँ पे सी एच 1, 2, 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे सी एच 3 कर दिया है हमने, ये हो गया यहाँ पे सी एच 2 और ये हो गया यहाँ पे सी एच 3। ठीक है भाई, अब देखिए बात करते हैं हम इसकी नेमिंग की। सबसे पहले हमें इसे पैरेंटल चेन देखनी है। पैरेंटल चेन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन है। अगर हम इस वाली को लें, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इस वाली को ले लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 6 कार्बन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मेन चेन ही लेंगे। ज़्यादा करके आप मेन चेन लेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, उसको डिस्कवर कर पाना है, उसका नेम लिख पाना ज़्यादा इजी रहेगा। आप ये जो टेढ़ी मेढ़ी लेंगे तो वो ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। अभी एक दो एग्जाम्पल मैं ऐसे भी करवाऊंगी जिसमें टेढ़ी मेढ़ी चेन के अंदर कार्बन जो है अमाउंट ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू देट विद सीधी वाली जो चेन है। ठीक है, अब चलिए नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है मैथिल और ये क्या है एथिल। तो पहले किसके किसको हम करेंगे कह सकते हैं हम किसको नंबरिंग के लिए सीक्वेंस देखेंगे इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये है एथिल और ये मैथिल। ठीक है, अब जब हम इनकी नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है भाई, यस चलिए अब देखिए इनकी नेमिंग करेंगे तो हम इनकी नेमिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले जब हम इसको नंबरिंग देंगे तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे 1, 2 इसको नंबरिंग मिल रही है 1, 2 यहाँ पे इसको 1, 2, 3 तो कंसीडर कहाँ से करेंगे हम इसको 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है भाई, समझ आ गया भाई, मैथिल है और एथिल है हमारे पास में। अब जब हम इनकी नंबरिंग करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ओके आई हैव डन समथिंग रॉन्ग आई गेस, ये मैथिल है और ये एथिल है, ओके सॉरी ई पहले आ रहा है तो हम उसको पहले कंसीडर करेंगे, आई डन इट फ्रॉम दिस वे, तो ये आएगा यहाँ पे। चलिए नंबरिंग इसके यहाँ से होगी, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है भाई, अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में एथिल है, ई है अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले और एम बाद में आता है, तो हम पहले इसको लिखेंगे। ई कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है थर्ड पोजीशन पे, तो 3 और इसके बीच में आ जाएगा फिर डैश एथिल, 3 एथिल। अब देखिए आगे क्या है 5, अब डैश लगेगा इसमें। ठीक है, अभी यहाँ पे लग जाएगा डैश, 5 में क्या है, कौन है मैथिल, ये हो गया यहाँ पे 5, फिर आ जाएगा क्या मैथिल, 5 आगे यहाँ पे और ये हो जाएगा क्या मैथिल, 5 मैथिल, 3 एथिल, 5 मैथिल। ठीक है, 3 एथिल, 5 मैथिल। अब आगे कार्बन कितने हैं, 6 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आगे, हेक्सीन। समझ आ गई चीज, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा, जितनी कम प्रैक्टिस करेंगे उतना कम होगा आपसे। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं जल्दी से, अब आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी मैम और आपको कुछ जो है होमवर्क देना है, एक दो चीज़ें और हैं जो आपको समझानी हैं वो भी समझाएंगे बिल्कुल। चलिए अब पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जस्ट डू इट। अगर नहीं समझ आएगा क्या करना है आपको, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहाँ जाके आपको उस चैनल पे जाके आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो वहाँ पे जाके पूछ लेने हैं। चलिए अब मैं जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, है आई गेस कुछ हार्ड हैं बट फिर भी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं होते हैं तो आपको वहाँ मुझसे पूछ लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज मैं जल्दी जल्दी डंप करते रहूँगी साथ में। ये फर्स्ट है, ठीक है, सी एच 3, सी एच 2, सी एच, मैं साथ साथ बोल रही हूँ क्योंकि मार्कर ये थोड़ा सा स्लो चलने लगा है, डोंट नो व्हाई। सी एच 3 यहाँ पे ये कार्बन आ गया सी एच, ओके सी है बेसिक सी, यहाँ पे सी, ये है यहाँ पे सी एच 3, दिस इज सी एच 3, दिस इज सी एच 2 एंड दिस इज सी एच 2 एंड दिस इज सी एच 3। ओके फर्स्ट है ये, सेकेंड ये चल नहीं रहा है, सो लेट मी जस्ट टेक द अनदर वन। ठीक है, सेकेंड जो है
सेकंड करते हैं अभी CH3 CH2 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 CH then CH2 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 and CH3 यहाँ पे सी एच के अंदर जो है वो है CH2 सी यहाँ पे है CH3 ओके यहाँ पे है CH3 यहाँ पे है CH3 ओके नेमिंग करनी है इसकी आपको ये इम्पोर्टेंट है। चलिए और दे देते हैं अभी आपको बहुत से लिखे हुए हैं आपके लिए बहुत से बनाए हैं मैंने और बहुत से इम्पोर्टेंट हैं जो कुछ एग्जाम्स CH3 CH2 CH CH3 नीचे है CH3 CH then it's CH2 CH2 CH3 लास्ट में CH3 है ओके थोड़ा सा लाइट हो गया वहाँ पर आई डोंट नो CH3 CH CH3 and CH3 ओके अभी मैं तीन ही दे रही हूँ आपको बाकी जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ये इतने जो है आप करिए अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए वहाँ पर मुझे बता दीजिए कि हमें ये वाला समझ नहीं आया चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और जितना हो सके उतनी बार इसे रिपीट करिए जिससे कि क्या होगा कि आपको उतनी बार समझ में आएगा ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर बाय।